स्थान पर स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अधिक प्रभावी होगा। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम चुनाव को लेकर करनाल में कार्यकर्ताओं से बैठक की, कहा उम्मीदवारों के नामों की चर्चा कल चंडीगढ़ में की जाएगी। प्रगतिशील किसान मंच ने बल्लभगढ़ के शाहपुरा गांव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया, युवाओं ने रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया। और सिडनी में खेले गए अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर रही। नमस्कार, मैं अंशु बजाज, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपेक्षा की बजाय स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अधिक प्रभावी हो सकता है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विभिन्न कार्यक्रमों या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ लगातार बातचीत के प्रयास करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेडियो को संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताते हुए कहा कि पहुँच और व्यापकता के लिहाज से कोई भी माध्यम रेडियो की बराबरी नहीं कर सकता। इस यात्रा के आज 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस तरह आज ये गोल्डन जुबली एपिसोड, स्वर्णिम एपिसोड है। रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। देश के दूर सुदूर गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल तक, और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई। हर महीने लाखों की संख्या में पत्रों को पढ़ते, फोन कॉल सुनते, ऐप और माई गॉव पर कमेंट देखते और इन सबको एक सूत्र में पिरो करके हल्की फुल्की बातें करते करते 50 एपिसोड की एक सफर, ये यात्रा हम सब ने मिलकर के कर ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण के अनुसार मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से समाज में जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और मादक पदार्थ मुक्त भारत, सेल्फी विद डॉटर जैसे विषयों को मीडिया ने नए तरीके से एक अभियान का रूप देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। अधिकतर लोगों को लगता है कि मन की बात का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने समाज में पॉजिटिविटी की भावना बढ़ाई है। मन की बात के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों को बढ़ावा मिला है। #IndiaPositive को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई है। यह हमारे देशवासियों के मन में बसी पॉजिटिविटी की भावना की, सकारात्मकता की भावना की भी झलक है। लोगों ने अपना यह अनुभव भी शेयर किया है कि मन की बात से वॉलेंटियरिज्म यानी स्वेच्छा से कुछ करने की भावना बढ़ी है। एक ऐसा बदलाव आया है जिसमें समाज की सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की ने मानवता के लिए कल्याण के लिए सोचा और देश उनके प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाएगा। 2019 में हम उनका 550वां प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सदा ही पूरी मानवता के कल्याण के लिए सोचा। उन्होंने समाज को हमेशा सत्य, कर्म, सेवा, करुणा और सौहार्द का मार्ग दिखाया। देश अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह को भव्य रूप से मनाएगा। भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि करतारपुर कॉरिडोर बनाने का, ताकि हमारे देश के यात्री आसानी से पाकिस्तान में, करतारपुर में गुरु नानक देव जी के उस पवित्र स्थल पर दर्शन कर सकें। गुरु नानक जी से जुड़े पवित्र स्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। देश भर में अलग अलग वर्गों से मिले सुझावों को प्रधानमंत्री देशवासियों से साझा करते हैं। वे आज नारनौंद हल्के के गाँव खांडाखेड़ी में मन की बात कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को सुनने के लिए चौपाल में बड़ी स्क्रीन के साथ विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में जिस सहजता से अपने भाव प्रकट करते हैं, वह परिवार के मुखिया की भांति घर के सदस्यों को सलाह देने जैसा है। रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से उनका संदेश घर घर तक पहुंचता है। इससे देशवासियों के मन में प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ाव की भावना बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम को भिवानी वासियों ने भी सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जींद जिले के गांव बीबीपुर को इंगित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को मजबूती देने वाले सेल्फी विद डॉटर जैसे अनूठे प्रयासों को एक गाँव से निकाल कर पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। भिवानी की रीतिका वधवा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में युवाओं की तारीफ की और कहा कि युवा ही नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, इससे युवाओं में नया जोश आएगा। प्रधानमंत्री जी अपने हर एक एपिसोड में जो समाज के साथ मुद्दे हैं उनको लेकर आते थे, इस बार उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वो एक महत्वाकांक्षी है और नए भारत का निर्माण उन्होंने करना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ संवाद करना चाहिए, इनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आज ये भी बात करी कि जो कॉरिडोर बनाया गया है उसके लिए, जो गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है उसके ऊपर कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो भारत के नागरिक हैं, जो अपने वो उनके अपने सिख समुदाय के लोग हैं, वो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में जाने, कि उनके पवित्र स्थल के बारे में जाने। तो करतारपुर तक जो उन्होंने बात करी वो एक सराहनीय है और उनके जो एपिसोड है उसके अंदर वो हमेशा से बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, प्रदूषण घटाना जैसे विषयों पर अपनी बात रखते रहे हैं। प्रदेश में नगर निगम के चुनावों की सरगर्मियां तेज होते ही पार्टी नेताओं ने उम्मीदवारों का आंकलन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमसी चुनावों को लेकर आज करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीदवारों के नामों की चर्चा कल चंडीगढ़ में चुनाव समिति की होने वाली बैठक में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करके बेहतर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। चुनाव की तैयारी के नाते से मीटिंग है और उस मीटिंग में यहाँ के लोगों ने अपनी तैयारी के लिए जो सारी बातचीत थी उसकी बात मुझे बताई है और अभी चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके अंदर पार्षदों का, मेयर का जो भी फाइनल निर्णय होगा बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 6 स्थित गुरुद्वारा नानकसर में मत्था टेका और गुरुद्वारे के संत बाबा कश्मीरा सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब किताब रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख के 30 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जमा कराना होगा। आयोग के एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि प्रदेश में 5 नगर निगमों और 2 नगर पालिकाओं में आम चुनाव 16 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत और करनाल सहित 5 नगर निगमों के मेयर और सभी वार्डों के सदस्यों की सीटों के साथ ही 2 नगर पालिकाओं जाखल मंडी, फतेहाबाद और पुंडरी कैथल के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहली बार निगमों के योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सीधे अपने मेयर का चुनाव करेंगे, जबकि इससे पूर्व मेयर का चुनाव निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं के बीच से ही किया जाता था।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या उपायुक्त चुनाव खर्चों के अकाउंट्स का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा 20 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है, जबकि नगर निगम के सदस्य के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए और नगर पालिका के सदस्य के लिए 2 लाख रुपए है। प्रगतिशील किसान मंच के तत्वाधान में आज बल्लभगढ़ के शाहपुरा गांव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस अवसर पर युवाओं और ग्रामीणों ने रक्तदान किया। मंच के जिला अध्यक्ष सतबीर डागर ने कहा कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर प्रगतिशील किसान मंच द्वारा हर साल 2 बार इस तरह के स्वास्थ्य मेले लगाए जाते हैं। प्रगतिशील किसान मंच के बैनर तले हम हर साल 2 कैंप ऐसे लगाते हैं और विशेषतर गाँव के जो ग्रामीण आंचल के जो लोग हैं, आँखों का बहुत फ़ायदा उन लोगों को होता है। 1700 से ज़्यादा ऑपरेशन अब तक हम करा चुके विजिटेक आई सेंटर और के जो इनका जसोला में सेंटर है वहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक सप्ताह पूरा इनका ऑपरेशन चलता है और पेशेंट जिनको सेलेक्ट किया जाता है उनको लाने ले जाने की व्यवस्था हम स्वयं करते हैं और विजिटेक आई सेंटर द्वारा आंखों का फ्री ऑपरेशन वो क्या ऑपरेशन फ्री करते हैं। लेंस का पैसा हमारा किसान मंच वहन करता है। सिडनी में खेले गए अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। बारिश से प्रभावित पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 रन से हराया था, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण बराबरी पर रहा था। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सलामी बल्लेबाज आशीष शॉट ने 33 और फिंच ने 28 रनों का योगदान किया। भारत की ओर से कुणाल पांड्या 4 विकेट लेकर सफलतम गेंदबाज रहे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज तर्रार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े। शिखर धवन ने 22 गेंदों पर 41 और रोहित शर्मा ने 16 गेंद पर 23 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने अंत तक मोर्चा संभाले रखा और 61 रनों की अविजित पारी खेली। शिखर धवन को मैन ऑफ द सीरीज और कुणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा है कि देश में GST लागू होने के बाद विदेशी उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगा है और देशी उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। वे आज रोहतक में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के तत्वाधान में व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि GST और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हरियाणा खासकर रोहतक में व्यापार और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर एक जैसी कर प्रणाली होने की वजह से लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है और वे स्थानीय स्तर पर ही अपना व्यापार कर सकते हैं। ग्रोवर ने कहा कि GST लागू होने की वजह से व्यापारियों को काफी सुविधा मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, अपेक्षा के स्थान पर स्वीकार करने और खारिज करने की बजाय चर्चा करने से संवाद अधिक प्रभावी होगा। मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम चुनाव को लेकर करनाल में कार्यकर्ताओं से बैठक की। कहा, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा कल चंडीगढ़ में की जाएगी। प्रगतिशील किसान मंच ने बल्लभगढ़ के शाहपुरा गांव के स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। युवाओं ने रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया। और सिडनी में खेले गए अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर रही। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।